हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है यहाँ हम स्टेम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टेम की मॉर्फोलॉजी और उसकी मॉडिफिकेशन जो है। ठीक है, तो स्टेम जो है हमारे एम्बरियोनल एक्सिस के उस पार्ट से निकल के आते हैं जिसको हम प्लीम्यूल कहते हैं। जिस तरह से रूट जो है रेडिकल से निकल के आता था एम्बरियोनल एक्सिस का, टाइजलम का, इसी तरह से स्टेम जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सीज या टाइजलम के प्लीम्यूल से निकल के आता है। तो प्लीम्यूल जो है ये हमारे एपी जो कॉटिलीडन है, एपी कॉटिल है, उसका टिप जो है उसको कहता है। बहरहाल ये असेंडिंग पार्ट है जो ऊपर निकल के आता है प्लांट के एक्सीज का, और इस एक्सीज पे जो बढ़ जाएगा आगे बड़ा होके, इसमें आपको मिलेंगे लीव्स, इसमें मिलेंगे आपको फ्लावर्स, इसमें आपको मिलेंगे फ्रूट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है, सॉरी ये जो स्टेम है, इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि ये नोड्स और इंटर नोड्स, इस तरह से इसमें आपको मिलेंगे पार्टीशन जैसे स्ट्रक्चर्स, इन पार्टीशंस या इस जगह को हम कहते हैं नोड, और इनके बीच में जो स्टेम का हिस्सा होता है इनको हम कहते हैं इंटर नोड्स, और इन्हीं नोड्स पे आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे, यहाँ से ब्रांचिंग होता है, इन्हीं नोड्स से निकल के आता है लीव्स, और इन पे आपको मिलेंगे इस तरह से बड। ये देख लीजिए, ये एक लीव्स और इस लीव्स और एक लीव है इसका, इस लीव और स्टेम के बीच में जो एंगल बन रहा है इस एक्सिल पे मौजूद है एक बड, इसको हम ऑक्सिलरी बड कहते हैं। कभी कभी यही शूट बड जो है ये टर्मिनल पोजिशन पर भी होता है। तो ये जो शूट बड है ये इमेच्योर अंडर डेवलप्ड एक शूट बट है। इसमें बहरहाल फीचर्स क्या है, इस पर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं स्टम पे, ब्रांच और लीव्स वगैरह जो है इसी नोड से निकल के आता है। यंग इमेच्योर और अंडर डेवलप्ड एक कम्पैक्ट शूट होता है जिसे हम बड कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होगा किस पे, स्टम पे। ये टर्मिनल पोजिशन पे हो सकता है स्टम के आखिर में, या ये ऑक्सिलरी होता है, ऑक्सिल हम कहते हैं जो मैंने अभी बताया लीव और स्टम, यानी लीव की जो पेटियोल है या लीव जो है इस और स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम इसी एंगल पे मौजूद होता है जिसको हम एक्सिलरी बट कहेंगे। और यूजुअली इट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉफिक पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, यानी ये ज़मीन से दूर भागने वाला हिस्सा है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, तो इसलिए ये नेगेटिव जियोट्रॉफिक हो गया, लेकिन सूरज के पास आता है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक हो गया। अब फंक्शन क्या है, क्योंकि इसी पे तो होता है हमारे लीव्स, इसी पे फ्लावर्स फ्रूट्स, तो इसे फ्लावर में भी जो भी होगा वो सब इसी पे, फ्रूट्स में सीड वगैरह वो भी इस पे ही होगा। बहरहाल क्योंकि इस स्टेम के बीच से निकल के आते हैं हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो ऑब्वियसली ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स से लेके कहाँ तक लीव्स फ्रूट शूट जो भी ऊपर के हिस्से हैं जो स्टेम पे होते हैं वहाँ सब के लिए वाटर और मिनरल्स इसी के थ्रू होके जाएगा। उसके अलावा लीव्स में जो फूड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दैट इज़ आल्सो ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। सो टाइप्स की जहाँ तक बात है, हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, कुछ एरियल स्टेम हैं और कुछ सब एरियल स्टेम्स भी हैं। तो मॉडिफिकेशन में देख लीजिए, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ये वो स्टेम है जो ग्राउंड के नीचे होते हैं यानी प्रोस्ट्रेट। ठीक है, तो राइजोम इसमें पहला मॉडिफिकेशन है। राइजोम आपको इस तरह के मिलेंगे, इसमें आपको अंडरग्राउंड एक पैरेलल टू द ग्राउंड ये चलने वाली एक स्टेम है जिसमें आपको कंडेंसेट क्या मिलेंगे, नोड्स और इंटर नोड्स बिल्कुल साथ साथ में मिलेंगे। इनमें आपको कुछ स्केली लीव्स नज़र आ सकता है, और जहाँ जहाँ नोड्स है वहीं पर ही इस तरह के एडवेंटिशियस रूट्स निकल के आया होगा, जैसे कि आपने हल्दी है, जैसे कि आप बेहतरीन एग्जांपल इसका अदरक है जिसको आप लोग अक्सर हाथ में उठाया भी हो चुका होगा या खाया भी हो सकता है। दूसरा हमारा अंडरग्राउंड जो स्टेम मॉडिफाइड है वो है ट्यूबर। तो ट्यूबर स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है जिस पे आपको बर्ड्स मिल सकते हैं, जैसे अपना आलू है, आलू जो आप देख रहे हो ये एक क्या है, ये हमारे स्टेम के एक स्वोलन स्टेम है मॉडिफाई होके, जिसमें आपको इस तरह से ग्रोइंग बर्ड्स नज़र आएंगे। इनमें आपको इस तरह के कुछ स्पॉट्स होते हैं जिनको हम आई बर्ड्स कहते हैं, आई की शेप में ये होगा। उसके अलावा इनमें आपको इस तरह से निशान होंगे जहाँ पे लीव्स
निकल के आते हैं, इनको हम लीव स्कायर्स कहते हैं। ठीक, ये एक हमारा मॉडिफाइड स्टम है जिसे हम ट्यूबर कहेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो। इसके अलावा हीलियंथस ट्यूबरस जिसको हम जेरुसलम आर्टिचोक कहते हैं, ये भी एक क्या है, अंडरग्राउंड स्टम है या ट्यूबर है। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड जो स्टम है वो है कॉर्म। कॉर्म जो है ये एक वर्टिकल यानी हॉरिजेंटल नहीं होता है बल्कि सीधा खड़ा होगा जमीन के नीचे। वर्टिकल स्वोलन अंडरग्राउंड स्टम है जिस जो अनब्रांचड होता है। इसमें भी आप देख लीजिए बाज़ाब्ता नोड्स और इंटर नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, इससे इस तरह से डाटर कॉर्म्स निकल के आता है। ये कुछ स्केली लीव्स भी इनमें आपको नज़र आ जाएगा। ऐसा होता है हमारे ज़ाफ़रान में, क्रोकस टाइवस और कोलोकेशिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ। तो जहाँ तक बल्ब की बात है, बल्ब जो है ये हाईली कंडेंसड डिस्क शेप्ड जो स्टेम होता है, यहाँ आप देख लीजिए प्याज में जो आप हम चाकू से काट के फेंक देते हैं वो पोर्शन हो गया, और उसके ऊपर आपको फ्लैशी इस तरह की लीव्स नज़र आ जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर इस कंडेंसड डिस्क और ये फ्लैशी लीव्स को मिला के हम बल्ब्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बल्ब्स जो है दो टाइप के होते हैं, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब्स और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब्स। तो सिंपल की केस में जैसे कि यहाँ क्या होगा, बल्ब्स जो है कंसेंट्रिक रिंग्स में होते हैं इस तरह से, और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेनस शीट होगा जिसको हम ट्यूनिक्स कहते हैं, जैसे कि प्याज का बाहर वाला छिलका और प्याज के जो हम चटनी या सब्जी में डाल के खाते हैं वो इसी बल्ब्स का कुछ हिस्सा है। बहरहाल ये एलियम सीपा जो है एग्जांपल इधर। दूसरा जो है इस केस में जैसे कि गार्लिक्स में, गार्लिक में क्या हो जाता है, एलियम स्टेम। उस केस में जो बल्ब्स हैं बहुत सारे छोटे छोटे बल्बलेट्स बन गया होता है, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेनस शीट होगा, ये भी ट्यूनिकेटेड है लेकिन कंपाउंड। तो बहरहाल ये दो इसमें है, एलियम सीपा एंड एलियम स्टाइवम यानी बड़ा भाई उसके साथ इसका छोटा भाई भी। एक और बात यहाँ याद रख लीजिए, जो लिली होते हैं वो भी वहाँ पे भी बल्ब फॉर्मेशन होता है लेकिन वो ट्यूनिक्स जो है बाहर का या मेम्ब्रेनस शीट जो है वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे कैटेगरी है एरियल स्टेम, ये वो स्टेम है जो ज़मीन से बिल्कुल ऊपर होगा। इनकी मॉडिफिकेशन होकर स्टेम टेंड्रिल्स बनता है, जैसे कि यहाँ मॉडिफाइड ऑक्सिलरी बड है जो इस तरह से स्पायरली कॉइलेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये अपने आप को उस पर क्या करने के लिए विदहेल्ड करने के लिए, उसके ऊपर क्रैस्प करने के लिए बन जाता है। तो क्लाइंबिंग के लिए मान लो एक पुराने टेलीफोन जो होते हैं उनके रिसीवर्स की जो तार होते हैं बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एग्जांपल इसमें ग्रेप वाइन वाटर मेलन ककम्बर वेटीज वेनेफीरा ग्रेप्स। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है थॉर्न है, कांटे जिसको हम कहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फूल के बिल्कुल बगल में कांटे होते हैं। ऑक्सिलरी बड्स हैं एक्चुअली जो मॉडिफाई होके हार्ड वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इस तरह के। इनका मकसद होता है प्रोटेक्शन देना, क्योंकि चुभता है तो तभी नहीं खाएगा ग्रेजिंग करने वाले जानवर या बाकी, जैसे ड्यूरेंटा बोगनवीला ये कुछ एग्जाम्पल्स इधर दिखा है थॉर्न का। तो थॉर्न जो है ये मॉडिफाइड क्या है, स्टेम है। स्पाइन्स भी कांटे ही होते हैं लेकिन वो मॉडिफाइड लीव्स होता है। बहरहाल फाइलोक्लेड नेक्स्ट है, इसमें क्या होगा कि पूरा स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का ग्रीन होगा इधर, तो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जैसे ओपनशिया में अगर सिंगल फाइलोक्लेड होगा एक इंटरनोड पे तो इसको हम क्लोडेट बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एस्पैरागस की केस में दिखाया है इंडिविजुअल एस्पैरागस। ठीक है, क्लोडोड। सब एरियल स्टेम मॉडिफाई, सब एरियल हो गया जो ज़मीन के थोड़ा सा नीचे हो या बिल्कुल ज़मीन के ठीक ऊपर हो। रनर्स इनमें पहला है, ये ज़मीन के बिल्कुल ऊपर ही होता है, ठीक सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये इस तरह से प्रोस्ट्रेटली चला जाता है, वर्टिकली आप बोल लीजिए सॉरी हॉरिजॉन्टली। क्रीपिंग स्टेम्स हैं, इनमें नोड्स और इंटर नोड्स होता है, और जहाँ पर इनका नोड्स होगा उसी के नीचे तरफ जो है रूट्स जो उसको पकड़ के रखता है, ऊपर शूट्स होगा लीव्स वगैरह। तो ये स्टम इस तरह से आगे जाएगा जिसको हम रनर कहेंगे। शक्कर ये बीस मॉडिफाइड स्टम होता है लेकिन ये सॉइल के नीचे कुछ समय के लिए रहता है, फिर
इस तरह से ओब्लीकली एक कुछ समय के बाद सॉइल से ठीक ऊपर सरफेस पे चला जाएगा। दे ग्रोज बिलो द सॉइल सरफेस टू सम सॉइल सरफेस नहीं अंडरग्राउंड सम डिस्टेंस एंड देन ओब्लीकली कम फ्रॉम ए कम टू फॉर्म एरियल शूट्स जैसे क्राइजेंथीम पाइन एप्पल वगैरह जो है यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ समय के लिए सॉइल में फिर ऊपर यहाँ पे भी बिल्कुल नोड्स और इंटर नोड्स पे ये इसका नोड है इस पे रूट्स एडवेंटिशियस और फिर ऊपर उस जगह पे शूट्स हैं। स्टोलन ये भी ज़मीन के बिल्कुल नीचे होते हैं ये ऊपर नहीं निकल के आता है इस केस में थोड़ी देर के बाद बाहर ऊपर निकल के आता था यहाँ ये हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे ही रहता है। अंडरग्राउंड हॉरिजेंटली रनिंग बिल्कुल नीचे से चला जाएगा रनिंग स्टम्प्स हैं जैसे कि इन पे भी जो नोड्स होते हैं यहाँ नीचे रूट्स होगा और उसी नोड पे ही ऊपर शूट्स निकल के आते हैं लीव्स वगैरह। तो ये स्ट्रॉबेरी में अपना फ्रेजेरिया जो है इसमें आपने देखा होगा उसके अलावा ड्रेसिना में है ये देख लीजिए एक नोड फिर से नोड फिर से नोड जहाँ नोड है वहाँ ऊपर इसके शूट्स हैं और ये बीच का जो है ना ये एक स्टेम है जिसको हम स्टूलन्स कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हमें स्टूलन्स जैसा ही अगर पानी में होगा एक्वाटिक प्लांट्स में जैसे कि दे आर शॉर्टर देन रनर्स विद नोड्स एंड इंटर नोड्स ईच नोड बियर्स रोजेट्स ऑफ लीव्स। रोजेट्स कहते हैं जब इस तरह से बहुत सारे गुच्छा निकल के आते हैं लीव्स की और नीचे रूट्स का तो बिल्कुल ये नोड्स हैं और नोड से नीचे बहुत सारे रूट्स ऊपर की ओर जो है क्या है लीव्स है ये लीव्स ही है लीव्स का जो स्टॉक है इसको हम पेटियोल कहते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा बल्जड है तो स्पॉन्जी पेटियोल ऊपर ये लीफ का मेन हिस्सा है लैमिना जिसको हम कहते हैं। तो ये नोड है और इसी के ठीक नीचे रूट्स दिखाया है रूट्स पे एक ख़ास चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पे इनके ऊपर कवरिंग जैसे हैं तो ये रूट केप नहीं रूट पॉकेट्स है क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स है दोनों कॉर्निया इसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं और पिस्टिया ये दोनों जो है ये क्या है एक्वाटिक प्लांट्स है। तो इन दोनों में अगर आप तुलना करेंगे ये जो है ग्राउंड पे होते हैं यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और ये जो है ये वाटर में है तो वाटर में इस तरह से जो रन कर रहा है इसको हम ऑफसेट कहेंगे यहाँ इनको हम स्टूलन्स कहते हैं एग्जांपल जो दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बहरहाल इतना ही कल मिलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स और लीव्स की फंक्शन फीचर्स के साथ। थैंक यू।